pleasure and privilege of welcoming our chief guest today, Audio on. Professor Vasunratha Malan. Ma'am is a graduate of Tolandram College, University of Delhi. She has been in the teaching field for 24 years now. She is currently a professor in the Department of Hindi. She has contributed in social service for many organizations. Also participated in several programs on All India Radio, Akashvani, like Krishni, Hotsley, Sahitiki, etc. She has edited some very fine books, such as Aisat Kyun, collection of poem of a homemaker woman, and Antara, poem of Ram Avtar Sharma. She has written research paper on Harshya Ka Samaj on Hindi Nata. Ma'am is currently a member of Women Committee of World Blind Union, which is the global organization representing approximately 253 million blind or partially sighted persons. The World Blind Union empowers such people to participate on an equal basis in any aspect of life they choose. Ma'am is also the coordinator of Southeast Asian countries for Marrakesh Treaty. She has specialization in various fields such as Hindi Natak or Rangmanch, Indian Theatre and Drama, Sahitya Ka Samaj Shastra, Sociology of Literature, and many more. We are grateful that ma'am is amongst us today to enlighten us on the relevance of United Nations Organization in today's world. Aaj ke yug mein Sanyukt Rashtra Sangh ki prasangikta. Now, I would like to hand over the mic to Dr. S.S. Dana sir to say a few words for our chief guest. डिपार्टमेंट की ओर से, कॉलेज की ओर से और अपने डेमोक्रेट सोसाइटी की ओर से अपनी आज की जो चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर कुसुमलता, उनका इस वेबिनार में दिल से स्वागत करता हूँ। मैं कुछ बारे में जो आप लोगों ने बताया उससे अलग मैं आपको कुछ बातें मैडम के बारे में बताना चाहता हूँ। मैडम एक ग्रेट वुमन बीइंग, मैडम की पर्सनालिटी इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी जिनका सोशल कमिटमेंट, जिनका एकेडमिक कमिटमेंट और जिनका दूसरे कमिटमेंट, यदि ऐसी पर्सनालिटी आपको शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्सेप्शनली आपको देखने को। मैडम को मैं लगभग जब से मैडम इस यूनिवर्सिटी में है तभी से मैडम को हम जानते हैं और मैडम को इस यूनिवर्सिटी में जो लोग जानते हैं वे मैडम अकेडमिक वर्क के लिए, सोशल कमिटमेंट के लिए मैडम को जाना जाता है। मैडम केवल पर्सनैलिटी नहीं है, मैडम एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग है और हमारी छोटी रिक्वेस्ट पर ही मैडम ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। तो मैं पूरे डिपार्टमेंट की ओर से, डेमोक्रेट सोसाइटी की ओर से मैडम का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट क्योंकि ये चाहते थे कि हम कोई पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, थिंकर हैं, राइटर हैं, उनके बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर आप इंटरनेशनली किसी ऐसी पर्सनैलिटी को, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को बुलाइए। तो हमने मैडम से बेस्ट ऐसा कोई भी रिसोर्स पर्सन हमारी उसमें नहीं था और मैडम ने जितनी इजीली हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, मैं पूरे डिपार्टमेंट की ओर से, कॉलेज की ओर से मैडम का धन्यवाद करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मैडम ने हमारे जो स्टूडेंट्स को जो लाभ मिलेगा वो शायद उनकी लाइफ में, पूरी पूरी लाइफ में उनकी स्वीट मेमोरी रहेगी, क्योंकि मैडम का केवल अपना, उनका दखल केवल हिंदी में ही नहीं है, उनका दखल सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, कल्चरल लाइफ में शायद ही कोई लाइफ का ऐसा फील्ड है जिसमें मैडम का दखल ना हो। तो इसलिए मैडम ने जो हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की है, मैं अपनी फैकल्टी, अपने स्टूडेंट्स की ओर से और अपनी ओर से और कॉलेज की ओर से
मैडम का करता हूँ, और मैं तो चाहता था ये प्रोग्राम ऑफलाइन हो, लेकिन आज की जो भी कंडीशंस हैं उन्हीं में हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और तो इसमें जो भी आप हमारे स्टूडेंट्स ने इतना अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स का भी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारी फैकल्टी ने बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है। आज के डे के बारे में आप जानते हैं कि इसको हम यूएन डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सबसे पहले लीग ऑफ नेशन बना था, और लीग ऑफ नेशन का बनने का कारण भी आप जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भी नुकसान हुए, हानि हुई, उसके बाद ये आवश्यकता महसूस की गई कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो लीग ऑफ नेशन के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे बनाया गया, लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाया। जो हमारे स्टूडेंट्स ने बताया कि भाई इसके डिफरेंट ऑर्गन है, लेकिन इसका बेसिक एम है पीस एंड सिक्योरिटी। इसका मेन जो उद्देश्य है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सोशल डेवलपमेंट। तो इसीलिए इसका क्या रोल रहा है, कितना इसका पॉजिटिव रोल रहा है, और क्या इसकी वीकनेस रही है, ये मैडम हमें बताएंगी, और वे उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इसमें है, और उनका आस्पेक्ट उनकी माइनॉरिटीज हैं उन पर मैडम का काम है, और इससे हमारे स्टूडेंट्स को मुझे उम्मीद है कि काफी लाभ हो। तो मैं मैडम का एक बार फिर डिपार्टमेंट की ओर से स्वागत करता हूँ। परम आदरणीय राणा साहब, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब शिव कुमार जी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के तमाम प्राध्यापकगण, और बहुत ही प्रबुद्ध चेतना के धनी छात्रवृंद, मैं यूएन को पढ़ाऊंगी नहीं, बल्कि विश्व पटल पर घटी घटनाओं के आधार पर यूएन का मूल्यांकन वर्तमान पीढ़ी कैसे करे, इस संदर्भ में कुछ बात करने की कोशिश करूंगी। 2018 में मैं खुद यूएन में रिप्रेजेंट कर चुकी हूं विमेन कमेटी विजुअली इम्पेयर्ड वर्ल्ड वाइड को, और उसी के आधार पर जो अनुभव मैंने वहां से लिए, एक हफ्ते में जो कमेटीज़ अटेंड की, जो देखा और जो समझा, और विश्व में जिस तरह से दखल यूएन का है उसके आधार पर जो अनुभव किया, उसी को मैं लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मानव समाज ज्ञानालोक के युग में जी रहा है, यानी चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान है। आप अपनी अपनी समझ से, अपने अपने ज्ञान बोध के साथ इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हम कितना ज्ञान अपने आसपास देखते हैं, किंतु ये तो सच है कि आज का मनुष्य समाज जो है वो बोध के क्षेत्र में नहीं जी रहा। ज्ञान अधिकांशतः बुद्धि का क्षेत्र होता है, बोध का क्षेत्र नहीं होता। बोध जो है वो आत्यंतिक भाव सत्ता से जुड़ा रहता है, आपके हृदय से जुड़ा रहता है, उसका मस्तिष्क से उतना लेना देना नहीं होता, जैसा कि ज्ञान का हृदय से उतना लेना देना नहीं होता जितना मस्तिष्क से होता है। तो सारे जो रिलेशंस बनते हैं, चाहे वो व्यक्ति के हो, चाहे वो संस्था के हो, चाहे वो विश्व में एग्जिस्ट करने वाले तमाम राष्ट्रों के हो, नेशंस के हो, वो कोरे मस्तिष्क के आधार पर नहीं बन सकते। ये बात पहले हमें समझ में आना चाहिए। आधुनिक समय में प्रवेश करते समय 18वीं शताब्दी जैसे प्रारंभ होती है, हम सभी ने देखा कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से जिसे तथा कथित आधुनिकता कहते हैं, उसमें मानव ने प्रवेश किया, और इस पे पश्चिमी देशों का वर्चस्व रहा। उन्होंने इस आधुनिकता को, इस मॉडर्निटी को तय किया, इसके पैरामीटर्स बनाए, क्या मॉडर्निटी है इसको तय किया। हमने देखा कि भारत में भी समाज की परिकल्पना बनने लगी, जबकि हम शुरू से संयुक्त थे, उसको भूलकर हमने ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज, और न जाने कैसे कैसे कितने कितने समाज बनाए, और विश्व में भी इसी तरह से चीज़ें बनी। जैसा अभी राणा साहब कह रहे थे कि लीग ऑफ नेशंस जो बना था कि युद्ध
अब आगे नहीं होने देंगे, और जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और लीग ऑफ नेशंस चुपचाप देखता रहा, उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो वो विडंबना समझ में आती है। और जहां यूएस के प्रेसिडेंट ने लीग ऑफ नेशंस बनाने की पहल की थी, लेकिन उनके ही देश को मेंबर नहीं बनने दिया गया था, वहां की संसद ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, तो उसकी विडंबना को आप वहां से भी समझें कि जो बना रहा है वो मेंबर्स नहीं बन सकता, और जो जिसके लिए बनाया जा रहा है उस काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये तो खैर खत्म हो गया, और 1945 में अमेरिका की अगुवाई में कुछ देशों ने बैठकर अप्रैल के महीने में ये विचार किया कि इतना भयावह युद्ध हुआ है, इतनी मौतें हुई हैं, बेवजह लोग मारे गए हैं, जिनके शव उठाने के लिए वर्तमान मनुष्य समाज तैयार नहीं है, इतने शव मनुष्य ने खुद बोए हैं। तो उस विडंबना को देखते ही उन्होंने विचार किया कि अब हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए, और जिसकी पृष्ठभूमि आप सभी जानते हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के आप विद्यार्थी हैं। तो जून में एक चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं 50 देश, पोलैंड भी अपनी सहमति देता है, तो 51वें देश के रूप में उसमें अपने आप को जोड़ता है, और इस तरह से 51 देश जुड़कर तथाकथित महान बुद्धिजीवियों जो युग के नायक थे। और ये देखिए कि ये जो अमेरिका था इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें आज वर्तमान में वीटो पावर मिली हुई है, ये 5 देश वो हैं जो विश्व युद्ध को जीतने वाले देश हैं। या तो प्रत्यक्ष रूप में चीन ने भी सहायता दी थी या परोक्ष रूप में, और यही द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह त्रासदी, जो बर्बरता इन लोगों ने की, जो नृशंसता इन लोगों ने की, उसको आगे से नहीं घटने देंगे ऐसी बात कर रहे हैं। तो वो पश्चाताप हमें दिखना चाहिए था इनके व्यवहार में, वो ग्लानी बोध हमें दिखना चाहिए था, वो तत्परता, वो सचेतता हमें दिखनी चाहिए थी जो हमें नहीं दिखती है। यूएस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रशिया हो या चीन हो, ये 5 देश जिस तरह से आज सत्ता को कब्जा कर बैठे हैं, आपने देखा कि किस तरह 1959 में तिब्बत को हड़प लिया गया। और बड़े बच्चे प्रश्न करते हैं कि तिब्बत के ऊपर अगर सारे देश एक हो जाते तो क्या चीन नहीं छोड़ता तिब्बत को? नहीं छोड़ता, क्योंकि यूएन चार्टर में लिखा हुआ है कि जिन 5 देशों के पास वीटो पावर है, निषेधात्मक शक्ति, उनमें से अगर एक भी वीटो करता है तो वो काम नहीं होगा। तो चीन तो करेगा नहीं ना, कि सारे लोगों ने हस्ताक्षर भी किए थे, सहमत भी हुए थे लोग, लेकिन चीन ने कहा कि मेरे खिलाफ ये लो वीटो। जिस ऑर्गेनाइजेशन की तमाम शक्ति निषेध पर टिकी हो, हम अपनी संस्कृति को देखते हैं, हमने विश्व में पहला विश्वविद्यालय भारत की ओर से तक्षशिला के रूप में बना था, आप सभी जानते हैं, भारत विश्व गुरु कभी था, कहलाता था, जब नकल नहीं करता था किसी की, जब किसी के पीछे नहीं चलता था, जब अपनी मौलिकता को और अपने मूल को सींचता था, तब उस पे फल लगते थे, तब वो हरा भरा था भारत, तब वो सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन आज हम कहे अपने देश के लिए रहे हैं और कर किसी और के लिए रहे हैं, मूल कहीं और सींच रहे हैं, तो यहां हरा भरा कैसे होगा? इस बात को हमें समझना होगा। और इस बात को समझने के लिए आप जानिए कि भारत ने हमेशा प्रेम के आधार पर, यानी हृदय की भाव सत्ता के आधार पर पूरे विश्व में शांति का पैगाम फैलाया, जबकि यूएन सेना के आधार पर, शक्ति के आधार पर। वियतनाम का क्या हश्र हुआ आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के, सोमालिया का, क्यूबा का क्या हश्र हुआ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सोमालिया तो आज इतनी तरह तबाह हो चुका है कि जहां कहा जाता है कि सारे डाकू वहां पर इकट्ठे हो गए, लुटेरे वहां इकट्ठे हो गए, है ना। और अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान में आप शांति बनाना चाहते हैं, सुरक्षा देना चाहते हैं, तो 20 साल आपने अफगानिस्तान में कौन से लोकतंत्र को डेवलप किया, कौन से डेमोक्रेसी के लिए आपने प्लेटफॉर्म तय किया या तैयार किया, कौन से जनशक्ति को आपने तैयार किया, सवाल है ना, उठते हैं।
और ये सवाल बिल्कुल रेलेवेंट हैं, आज के हैं, इन पर नई पीढ़ी को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं से यूएनओ की प्रासंगिकता निकलकर हमारे सामने आती है। अगर मान लीजिए अफगानिस्तान को लेके अमेरिका सुरक्षा परिषद में जाता है तो क्या होगा? चीन वीटो करेगा, रशिया वीटो करेगा, और एक भी वीटो करे, चीन अकेला भी वीटो करे, तो भी नहीं हो सकता, कुछ समाधान हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब आपका संरचनात्मक स्वरूप ऐसा है जिसके भीतर निचली पायदान पर खड़े हुए या निचली पायदान से भी नीचे पड़े हुए राष्ट्र के लिए कोई जगह नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रासंगिकता पर सवाल उठने जरूरी है। आप देखिए कि इन सभी देशों का जो आर्थिक विकास है वो किसके आधार पर हो रहा है? पूरे अफ्रीकन कंट्रीज, पूरे एशियन कंट्रीज रिसोर्स सेंटर का काम कर रहे हैं, जहां से रिसोर्स उत्पन्न होते हैं और उनका उपयोग अपने हित में ये विकसित राष्ट्र करते हैं, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अगर न्याय संगत होता तो हम प्रासंगिक कह सकते थे यूएनओ को, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि उसके डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा भाग जो मिलिट्री फोर्स तय बनाता है यूएनओ, उस पर खर्च होता है। 20 साल 55 से लेके 75 तक वियतनाम में तबाही की गई, और लाओस छोटा सा देश जिसने अपनी धरती का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी वियतनाम को, उसके ऊपर हर 8 मिनट में बम दागे गए। कहा जाता है इतने बम दागे गए कि लाओस का जो भविष्य है वो बारूद की ढेरी के नीचे तबाह हो गया। तो आप सोचिए इस मनमानी को किसने रोका? क्या कभी किसी ने कहा खड़े होकर कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? झूठ मूठ के लिए, दिखावे के लिए भी कोई लेकर आया यूएनओ में कि ऐसा नहीं होना चाहिए? अफगानिस्तान से जाने का निर्णय लिया, अच्छी बात है, अफगानिस्तान में काम नहीं किया, अच्छी बात नहीं कही जा सकती। अफगानिस्तान से आप चले गए, अच्छी बात है, लेकिन जब आप 20 साल अफगानिस्तान में रुके तब आपने वहां की माइनिंग को, वहां के रिसोर्सेस को किस तरह से इस्तेमाल किया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चीन और रशिया आज झुके हुए हैं अफगानिस्तान की तरफ, शांति और सुरक्षा या वहां के लोगों को भोजन की उपलब्धता, आवास की उपलब्धता हो जाए, इसके लिए नहीं, बल्कि 15 अगस्त से ही चीन ने वहां पर खनन शुरू कर दिया है, और आप जानते हैं कि किस तरह के रिसोर्सेस अफगानिस्तान में हैं जिनका अपना वैश्विक महत्व है। भारत के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें उठाई जाती हैं। यूएन चार्टर जब बना था तो भारत तो संस्थापकों में से एक था, जबकि हम आजाद नहीं थे, फिर भी हमने उसका स्थापना करने में कि क्योंकि हम विश्व शांति के पक्षधर ही नहीं रहे हैं, बल्कि भारत ने अपने जन्म से लेकर आज तक हजारों शताब्दियों से शांति और सुरक्षा के लिए काम किया है। उसने कभी किसी पर पहला आक्रमण नहीं किया, अपनी सुरक्षा के लिए उसने इंतजाम किए हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत को एनपीटी पर साइन न करने के कारण सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ये कौन सा न्याय है कि 1970 से पहले जिसके पास न्यूक्लियर ताकत थी वो तो रख सकते हैं, उसके बाद कोई बढ़ा नहीं सकता? तुम्हारे व्यवहार से तो ये पता चलता है कि आपके पास न्यूक्लियर पावर ठीक है ही नहीं, क्योंकि विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ था द्वितीय, वैसे ही नागासाकी और हिरोशिमा पर बमबारी की गई थी, आप जानते ही हैं। जब इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप ये हमेशा के लिए कैसे तय कर सकते हैं कि आपके पास तो न्यूक्लियर पावर होना ठीक है और दूसरे के पास जो अपनी सुरक्षा के लिए रख रहा है उसके पास ठीक नहीं है?
तो चीन यही अड़ंगा हमेशा लगाता है कि भाई एनपीटी पे साइन नहीं किए हैं और सीटीबीटी पर भी साइन नहीं किए हैं, जो कहते हैं कि आप हवा में, पानी में, आकाश में न्यूक्लियर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, न्यूक्लियर शक्ति बनाने के लिए अपने आप को आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो भारत ने तो उसका पालन ही किया है ना, हमने हवा में किया है प्रयोग, ना हमने आकाश में किया है, ना हमने पानी में किया है, ना हमने धरती के ऊपर किया है, हमने तो धरती के अंदर किया है। ये भारतीय मानसिकता है। हमारे तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो मिसाइल बनाई थी उसका प्रयोग हमने पोखरण में नीचे किया, जमीन में, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जो किया था 74 में, और 98 में जो 98 शक्ति के रूप में किया था वो भी हमने अंदर किया। इसलिए हमने आपकी सीटीबीटी का तो उल्लंघन किया नहीं है। दूसरी बात, क्या हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होकर ग्रो कर सकते हैं? मुझे जहां तक लगता है, ह्यूमन राइट को प्रमोट करने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली संस्था जब आज तक ह्यूमन राइट्स की बात ही करती है, दूसरे देशों में दखल करके जब तक उसके रिसोर्सेस का इस्तेमाल अपने हित में किया जा सके करके, उसके बाद उसको ज्यों का त्यों छोड़ के, खुक करके छोड़ के चली आती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के मूल स्वरूप में भारत को स्थायी तो नहीं लेना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत अपने आत्मनिर्भरता और अपने सशक्तिकरण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति, जिस तरह से ये भी ऑब्जेक्शन करती है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा राष्ट्रपति या हमारा प्रधानमंत्री या हमारा गृह मंत्री क्यों जाता है, और इस पर भी भारत कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देता है, जबकि प्रतिक्रिया बहुत कड़ी बनती है। हमने तो अब ताइवान को हड़पने के लिए चीन तैयार बैठा है, तो हमें दिखता है कि मानव अधिकार हनन का प्रोग्राम तो इम्प्लीमेंट होता है वीटो पावर के कारण, कहीं शांति मेंटेन करने का, कहीं उत्पीड़न को शांत करने का, उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने का, मानवीय शोषण को दूर करने का काम हमें दृष्टिगत नहीं होता। विगर मुसलमानों के साथ चीन क्या कर रहा है विश्व जानता है कि लाखों विगर मुसलमान बिना किसी संसाधन के वहां पर बैठकर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जितना भी हनन हो रहा है उसके ऊपर विश्व चुप है, यूएनओ चुप है। और ये जो इस्लामिक कंट्रीज है जो कहते हैं, तथा कथित हमारा छोटा भाई पाकिस्तान जो हर बात में कहता है कि भारत को, अभी शेख हसीना ने भी कहा कि भारत को अपने अंदर भी देखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, अपने तरह अपने भीतर जिस तरह की घटनाएं होती है उन पर भी निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के साथ कितना दुर्व्यवहार ही नहीं बल्कि उनको पूरी तरह से समाप्त करने की जो प्रक्रिया चली हुई है बांग्लादेश में। पर ये देखिए, वहां मुसलमानों को, चीन में औरतों को स्कर्ट पहनाई जाती है, और यहां आप देखिए तालिबान क्या करता है कि अगर जरा सा भी दिख जाएगा औरत का अंग तो काट दिया जाएगा। तो ये दोहरे मानदंड जहां चलते हो, जहां दोगली नीति चलती हो, जहां दुचित्तापन हो, वहां विकास हमें दिखता नहीं। इसलिए इकोसॉक जो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट पे काम करने वाला इनका जो परिषद है वो कितना काम कर पाती है, एक शोशेबाजी पूरे विश्व में है कि यूनिसेफ के अंदर छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, लेकिन आपके मूल स्ट्रक्चर में परिवर्तन जब तक किसी देश की परिकल्पना में नहीं होता तब तक उस देश का विकास नहीं हो सकता। शिवाजी कॉलेज आज 10 प्रोजेक्ट ले ले, बहुत उन्नति कर जाए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का मूलाधार उससे ना सिंचित हो तो हम नहीं मानते कि वो प्रगति हो रही है। और उन 10 प्रोजेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर न्याय संगत ना हो तो हमें नहीं लगेगा कि वो विकास की ओर उठाया गया एक सार्थक कदम है। अब कहा जाता है कि यूएनओ अपनी मौत मर रहा है, ये बिल्कुल सच बात है कि वो अपनी मौत मर रहा है, धीमी मौत मर रहा है, लेकिन
इन दिनों हम देख रहे हैं कि तेजी से उसका जो बीमारी का संक्रमण है वो फैल चुका है, क्योंकि साफ साफ विश्व को दिखाई देने लगा है उसके कमिटमेंट क्या है, अपनी विश्व नीति को कैसे डिफाइन करता है अमेरिका। अमेरिका कहता है कि भाई मैं जो जहां जहां रशिया जाता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा जो है उसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए, क्योंकि वो ठीक नहीं है, मानवीय विकास के लिए ठीक नहीं है, मानवता के लिए ठीक नहीं है, हम मानते हैं उसकी बात, लेकिन रोकने के लिए आप चीन में देखिए कौन सा लोकतंत्र है, कौन से इलेक्शन होते हैं, जिसके पास वीटो पावर है। रशिया में देखिए आपने कितना विरोध किया, रशिया में देखिए पुतिन 2002 में आया और 35 तक इंतजाम करके बैठ गए कि हम हटेंगे ही नहीं, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा जनप्रतिनिधित्व है। तो ये सारे मुद्दे हैं विश्व के, जो मुझसे ज्यादा आप, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के प्रबुद्ध चेता, स्वतंत्र चेता लोग हैं, आप मुझसे अधिक समझते हैं। इन तमाम मुद्दों के संदर्भ में हमें यूएनओ की प्रासंगिकता को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर हमें इसका निर्णय करना चाहिए कि क्या यूएनओ प्रासंगिक आज है, क्या भारत को उसको बढ़ाने में। एक अड़चन ये भी आती, जब भारत को ये वक्त मिला था मौका कि वो स्थायी सदस्य हो सकता था, जब हम आज़ाद हुए थे, नेहरू का नेतृत्व था, तो भारत ने, बहुत विद्यार्थी ये प्रश्न करते हैं कि भारत ने खुद ना लेके चीन को क्यों दिया, तो इसका साफ साफ कारण है कि बहुत बड़ा बजट हमसे मांगा गया था कि हमें अपनी GDP का इतना प्रतिशत देना होगा, और उस समय हमें चूस कर आम की गुठली की तरह छोड़ा गया था ब्रिटेन द्वारा। आप सभी जानते हैं कि पूरे रिसोर्सेज हमारे किस तरह से तबाह किए गए थे, किस तरह से लूटे गए थे, और पश्चिमी सारी चमक धमक आप देखते हैं कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के लूट पर आधारित है, वो उनकी अपनी चमक धमक नहीं है, वो हमारे आर्थिक रिसोर्सों से लूटी गई चमक धमक है। आज भी हमारा कोहिनूर कहाँ है आप सभी जानते हैं, आज भी हमारे यहाँ से किस तरह से रिसोर्सेज जाते हैं, उस समय 127 कंपनीज थी हमारे यहाँ जिनको हम आज भी अपना समझते हैं, ब्रुक बॉन्ड है, आप समझते हैं कि भारतीय कंपनी है, लेकिन वो भारतीय कंपनी नहीं है, ब्रिटेन की कंपनी है। हिंदुस्तान लीवर है, हम समझते हैं भारतीय है, वो भारत की नहीं है, ब्रिटेन की है। 127 में से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हटाया गया था, 126 तो बची हुई थी, और आज तक के प्रधानमंत्री तब से लेकर विश्व की कंपनियों को निमंत्रण तो देते हैं, यहाँ से विदाई देते हुए नहीं देखा गया किसी को भी। निमंत्रण देने का मतलब तो सीधा सीधा है कि आइए आप यहाँ पर छोटा मोटा कुछ रिसोर्स लगाइए और बाकी यहाँ पर लूट लीजिए, सब ले जाइए यहाँ के रिसोर्सेस, वही होता है। तो इस तरह से हम देखें तो भारत का, तो मुझे लगता नहीं है कि भारत ने उस समय जो बजट का एक बड़ा भाग जो अपने विकास पे खर्च करना चाहिए था, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम किसी अरेबिक कंट्री को देते हैं तो पाकिस्तान को बढ़ावा मिलेगा, तो पाकिस्तान आतंकवादी हमले ज़्यादा करेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। जापान जैसे छोटे कंट्री को मिल नहीं सकता था, उसके दूसरे भी अड़ंगे थे जो लगते थे, उन्होंने सोचा कि चीन को दे देते, हमारा बड़ा भाई है, हिंदू चीन भाई भाई बड़ा होता था, लेकिन इतना कृतघ्न भाई निकलेगा ये तो नहीं सोचा था, तो इसलिए चीन का नाम प्रस्तावित किया गया था स्थायी सदस्यता के लिए। हम लेकिन आज भी आप देखो भारत 1-2% के बीच में बजट देता है वहां, और उससे भी ज्यादा हमारा बनता है, क्यों, चीन देता है 15% के आसपास, लेकिन वो फ्रांस देता है 5%, 5% से निश्चित तौर पर हमारा ज्यादा बनता है, रशिया देता है 3%, उससे भी ज्यादा हमारा बनता है, कैसे, क्योंकि हम विश्व को जो इतनी दवाइयां देते हैं फ्री, पोलियो की, मलेरिया की, और जो शांति सैनिक भेजते हैं हम, पीछे हमने सूडान में भी भेजे थे, तो उसका खर्चा सारा भारत उठाता है, और अगर टोटल आप करेंगे तो वो निश्चित तौर पर 9% के आसपास बनता है यूएनओ के बजट का। तो स्थायी सदस्यता हमारी निश्चित तौर से बनती है, लेकिन हमें नहीं लेनी चाहिए, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, क्योंकि यूएनओ की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न उठाना भारत का दायित्व बनता है, उसको या तो उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो या फिर उसका नया स्वरूप तय हो, या फिर भारत को वीटो पावर के साथ उसमें स्थायित्व इस तरह से मिले कि भारत, क्योंकि वीटो पावर लेने के बावजूद भी भारत परिवर्तन नहीं करवा पाएगा,
दूसरे वीटो कर देंगे। तो भारत जब जहां निर्णय लेने के लिए वीटो पावर लेने के बावजूद भी स्वतंत्र नहीं होगा, विश्व शांति स्थापना में चीन किसी को हड़प रहा है, भारत वीटो कर देगा, तो मान लीजिए कि क्या वो रोक पाएगा? कभी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए तो आज ये सारे देश अफगानिस्तान की मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लाचारगी में प्रवेश करने वाली बात है। मुझे तो ना स्थायी सदस्य के रूप में जाना वहां ठीक लगता है भारत का, और ना ही मुझे ये ठीक लगता है कि यूएनओ जैसी संस्था बनी रहे। उनका चार्टर कहता है कि रेस के नाम पर, जो कलर के नाम पर भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर जो भेदभाव होता है वो नहीं करेंगे, लैंग्वेज के आधार पर जो भेदभाव होता है वो नहीं करेंगे, रिलीजन के आधार पर जो भेदभाव होता है वो नहीं करेंगे। लेकिन आप इन चारों को देख लीजिए। पहली बात देख लीजिए, रेस के आधार पर अमेरिका में कितना होता है, कितनों ने वीटो पावर्स का इस्तेमाल किया, या कितनों ने 121 देश मिलके जो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, कितनी बार बैठा है वहां पर कि रेसिज्म जो हो रहा है अमेरिका में वो गलत है। कितनी बार 121 देश आए हैं सामने, एक भी देश नहीं आया। सेक्स को लेकर देख लीजिए कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है यूएनओ में, कितने परसेंट है, या कितने कंपल्शन लगाई है हमने कि यहाँ वुमेन होना। आपने लगा दिया कि 5 मेंबर उसमें से एक वुमेन होनी चाहिए, क्या मतलब है? वो अकेली तो और ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करती है। कम से कम बहुमत रूप में महिलाओं का प्रवेश हो तो कुछ सशक्त हो, संवेदनशीलता आए। लैंग्वेज को लेके देख लीजिए, जो 6 लैंग्वेजेस में मानी गई हैं, किस आधार पर मानी गई हैं, उनके क्या आधार आप देंगे, क्लैरिफिकेशन क्या देंगे? हिंदी नहीं है, और जो यहाँ का इंटरनेशनल कोर्ट है वो फ्रेंच और अंग्रेजी में ही काम करेगा। उस इंटरनेशनल कोर्ट की रेलेवेंस को भी आप देख लीजिए कि क्या उसने कभी इन 5 देशों के खिलाफ कोई स्वयं सुमोटो लिया है, कोई कभी अपने आप संज्ञान लिया है किसी बात का कि ये गलत कर रहे हैं, इसमें ये गलत बात हो रही है? कभी नहीं। तो उस इंटरनेशनल कोर्ट में खाली इंटरनेशनल लॉज बनाने से या 9 साल के लिए आप बैठ जाए वहां पर आके, मुझे उसकी रिलेवेंस नजर नहीं आती, और बिल्कुल नजर नहीं आती, क्योंकि सामाजिक न्याय की जरूरत है इस धरती को, हर एक देश को, चाहे वो विकासशील हो, चाहे वो अविकसित हो, और चाहे वो विकसित ही क्यों ना हो। सामाजिक न्याय पूरे विश्व में बनाने में, विश्व शांति को बनाने में, विश्व को सुरक्षा देने में, मानवाधिकारों की रक्षा करने में यूएनओ कामयाब नहीं हुआ है। और ये कहते हम तीसरा युद्ध नहीं होने देंगे, तीसरे युद्ध की नौबत कैसे आएगी जब आप एक एक देश को मिलकर तबाह कर देंगे? वो ताइवान को हड़पने के लिए तैयार बैठा है, तिब्बत हड़प चुका है, हांगकांग हड़प चुका है, और आप जहां चाहते हैं, जहां रिसोर्सेज आपको ज्यादा लगते हैं वहां चले जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वहां गए हैं, वहां सुरक्षा के लिए गए हैं, जबकि वहां से आते हैं तो हमें उनकी अनदेखी ही मिलती है। तो इसलिए यूएनओ के जो चार्टर में दिए गए बड़ी बड़ी बातें हैं, कंटेंट भरा पड़ा है, इक्वालिटी, फंडामेंटल फ्रीडम्स, और फूड फॉर ऑल, सिक्योरिटी फॉर ऑल, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी फॉर हेल्थ केयर रिसोर्सेज, ये भरने से कुछ नहीं होता, ये दिखाने के दांत है, और दिखाने के दांतों का भी विश्व इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन तोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो तोड़ने की हिम्मत विश्व में तब तक नहीं है उन दांतों को, जब तक कि विश्व खुद उसका चारा बनना बंद ना कर दे। तो वो शोषण का एक जरिया मुझे लगता है, वो पूरी तरह से एक सेरिमोनियल कहना चाहिए उसको, उत्सव धर्मी संस्था है, जो बिठा दो उनको इंटरनेशनल कोर्ट में जो आपके फेवर में हो, जैसे हमारे यहाँ NHRC में होता है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन बनता है कि उन जजेस को दे दिया जाता है जो फेवरेट होते हैं, बिठा दिया जाता है कि आपकी ये पावर्स होंगी, लेकिन काम क्या कर पाते हैं, उनके पास अपनी शक्तियाँ क्या होती हैं? ये तमाम सवाल है कि हम किसका अनुकरण कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज विश्व की स्थिति ये हो चुकी है मित्रों, कि विश्व में जो यथास्थितिवाद है,
उसको बनाए रखने में ही ये विकसित राष्ट्र अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने जरा सा भी गड़बड़ किया तो ये तो तबाह हो जाएंगे, और इनके अपने रिसोर्सेज ऐसे नहीं हैं कि ये सर्वाइव कर सकें। रिसोर्सेज तो सारे एशिया और अफ्रीका में हैं, इसलिए यूएनओ की प्रासंगिकता को आप किसी भी दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखिए कि क्या विश्व में जितने धर्मांतरण के प्रोग्राम ईसाई मिशनरीज के द्वारा चलाए जाते हैं, या जिस तरह से चाइना एजुकेशन पॉलिसीज को लेके, मतलब छोटे छोटे मदरसे, जैसे अभी नेपाल में बहुत बना लिए हैं उसने। मैं तो यूएसए गई थी तो वहां भी मैंने चाइना टाउन देखा, न्यूयॉर्क में भी, कनाडा गई वहां भी देखा डाउनटाउन में चाइना टाउन अलग। तो जिस तरह से ये अपने आप को बढ़ा रहे हैं अपनी विस्तारवादी नीति से, दूसरे का आर्थिक शोषण कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को बनाए रखने के लिए, और अपने देश के भीतर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वालिटी के साथ नहीं कर रहे हैं, सामाजिक न्याय नहीं दे रहे हैं, ये तमाम चीजें प्रश्न तो उठाती हैं कि आपका होने का अर्थ क्या है। और जब ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस नहीं है, ह्यूमन राइट को संरक्षण नहीं है, प्रमोशन नहीं है, ह्यूमन राइट्स का शोर मचाने से तो ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते हैं, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का सब जगह आप देखेंगे उल्लंघन होता है, और खुले तौर पर उल्लंघन होता है, इसलिए भी इसकी रिलेवेंस मुझे समझ नहीं आती। और दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है उस तरह से, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी के स्ट्रक्चर में परिवर्तन सत्ता के समीकरण सही करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब तक सत्ता के समीकरण सही नहीं होंगे तब तक विश्व शांति की परिकल्पना उस परिंदे की तरह है जिसकी प्रजाति को हम नष्ट कर चुके हैं, पर हम उसको संरक्षण देने का भाव सब तरफ दिखा रहे हैं कि हमने उसको संरक्षण दिया हुआ है, जिसकी मूल प्रजाति को हम नष्ट कर चुके हैं। तो हमारे तो कुरुक्षेत्र में कहते हैं भाई दिनकर, और हमारी संस्कृति के आधार पर कहते हैं कि शांति विश्व में नहीं आ सकती तब तक जब तक कि सुख भाग ना नरका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। तो श्रद्धा भक्ति और प्रणय के प्रेम के आधार पर ही भारत ने अपने संस्कृति के उच्च काल में, पराकाष्ठा काल में, विश्व को शांति दी, विश्व को भाईचारा दिया, समानता दी, स्वतंत्रता दी, कभी किसी की स्वतंत्रता नहीं हड़पी, और हमें कोई ऐसा संस्थान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने संस्थान भी बनाए तो शिक्षालय बनाए, यूएनओ ने वैसा नहीं किया। हालांकि आप कह सकते हैं, विद्यार्थी ये सवाल पूछ सकते हैं कि शिक्षा में भी मदद करता है, तो मैं वही बात कह रही हूँ कि ये मदद वैसी है जैसे आप पत्तों को सींचें और जड़ को ना सींचें। किसी भी वृक्ष के पत्तों को अगर आप सींचते हैं तो वृक्ष हरा भरा बहुत दिन तक नहीं रहेगा। पत्तों के पास कोई सिस्टम नहीं है कि वो जड़ तक अपने रस को पहुंचा सके, सिस्टम जड़ के पास है कि वो पत्तों को और फलों को लगा सके, हरा भरा रख सके, सर्वाइव करने दे। तो जड़ पहचाननी होगी, और जड़ इसी बात पर मुझे लगती है, आप मुझसे मत विभिन्न हो सकते हैं, आपका मत अलग हो सकता है, मत वैभिन्न रख सकते हैं, कि यूएनओ की रेलेवेंस आज के युग में बिल्कुल नहीं है, चाहे वो खुद भी रेजोल्यूशन पास करके अपनी रेलेवेंस को दिखाने का प्रयास करे। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि यूएनओ को, देशों को मिलकर, भारत ने कोशिश की थी पंचशील के रूप में, गुट निरपेक्ष के रूप में, अपने आप को उस तरह से अलग एक ताकत बनाने के रूप में, लेकिन उस पे आर्थिक लोभ के कारण, लुभावने सपनों के कारण हम लोग सही ढंग से काम नहीं कर पाए। हमारे नेताओं की विल पावर उस तरह से हमें नहीं दृष्टिगत होती, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, क्योंकि वो सख्ती से कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे नहीं आते। हर एक अनाचार पर, हर एक अत्याचार पर, हर एक कमी पर एक बिठा दिया जाता है आयोग,
जिसकी रिपोर्ट आती है फिर अगला आयोग सोचता है, वो कभी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता। तो इस तरह की जो टेंडेंसी है ये पूरे विश्व में आज फैली हुई है। इस आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है इसे देखने के लिए, और यूएनओ हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि बहुत थोड़ा, देखिए जीएस जो बनता है वहाँ सेक्रेटरीट में, वो जीएस भी कोई और नहीं बनाता, यही 5 देश बनाते हैं। पहले ये तय कर लेते हैं आपस में, फिर जनरल असेंबली में उसका नाम प्रस्तावित होता है। यानी पीछे से काम करने वाले सब कुछ को, सत्ता के सूत्र को अपने हाथ में रखकर कठपुतली की तरह नचाने वाले यही 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन के बैठे हुए हैं। और जब तक इन देशों को धक्का नहीं लगाया जाएगा, तब तक मैं नहीं मानती कि किसी भी रूप में यूएनओ की कोई आज प्रासंगिकता है। भले ही वो 1 छोड़ 1 करोड़ हमें अपनी पॉलिसीज का मेंबर बना ले, भले ही वो 1 करोड़ स्कीम्स देकर हमें कहे कि आप शिक्षा के लिए काम करें, आप फलाने के लिए काम करें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें, इसके लिए करें, उसके लिए करें। आप देखिए शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियों से ज़्यादा माइनॉरिटी कोई नहीं हो सकती। आज विश्व में 8 करोड़ शरणार्थी हैं। 1951 में एक संधि जो पारित की थी यूएन में कि शरणार्थियों को जगह दी जाएगी अपने देशों में, और वो तब कि जबकि उनको थ्रेट हो कि उनका जीवन उनके देश में सुरक्षित नहीं है, समाप्त कर दिया जाएगा, मृत्यु का डर हो। लेकिन सीरिया के मामले में, इथोपिया के मामले में क्या मतलब करता है यूएन? खाली एक तरह का शिकार ही बनाता है। मुझे नहीं लगता कि यूएन ने कोई भी काम सचमुच में ऐसा किया है जिसे मैं ये कह सकूं ये कि पूर्णतया 100% मानवीय है, पूर्णतया मनुष्यता के हित में है और पूर्णतया विकास की ओर ले जाने वाला है। ये एक बीजोपन किया है जिससे एक नया वृक्ष उगेगा। मुझे लगता है कि जितने भी हरे भरे वृक्ष थे पहले, उनको भी काटने का काम यूएन ने किया है अपनी नीतियों के अनुसार, और ताकि कोई हरा भरा ना रह सके और हरियाली के लिए उनका मुंह तकता रहे। तो हरियाली के लिए उनका मुंह तकने से हरियाली तो कभी आएगी नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि विश्व शांति कभी इस तरह से आएगी यूएनओ के माध्यम से। मैं तो पूरी तौर पर इस सत्ता संघर्ष के, दुनिया के सत्ता संघर्ष के इतिहास में अमेरिका को सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में देखती हूँ, और उसने चाहे अनचाहे हर जगह अपना हस्तक्षेप किया है, उसके बावजूद उसकी पीठ पर यूएनओ, क्योंकि सबसे बड़ा बजट देने वाला यूएसए है, बैठा है, और यूएनओ ने कभी उसका सामने आकर विरोध नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों को जब आप देखोगे तब आप समझोगे कि यूनाइटेड नेशंस का रेलेवेंस नहीं है, और फिर भी इनकी मानसिकता पूंजीवादी है, और पूंजीवाद अपने स्वभाव में क्रूरतम होता है। उसकी क्रुएलिटी को आप एक छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम में देख सकते हैं। जैसे देखिए इकोनॉमिक्स का पहले एक सिद्धांत हुआ करता था कि डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन आज डिमांड एंड सप्लाई नहीं है। आज आप प्रोडक्शन करते जाइए और बाजार तय करता है कि आप डिमांड क्या करें, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से इतना दिखाया जाता है, फिर आपके घर में जो यूथ है या बच्चे हैं वो मांगने लगते हैं, या महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो भी हैं, जिन जो भी लुभा जाते हैं उससे, वो मांगने लगते हैं उस चीज़ को। आप एक टी शर्ट लेने जाइए, 1000 टी शर्ट मिलेंगे, 1000 ब्रांड मिलेंगे। तो ये जो पूंजीवाद है, और इन 5ों देशों का, चाहे वो अपने आप को कम्युनिस्ट कह दें, वो सत्ता में काबिज बने रहने के लिए, काबिज होने के लिए ही कम्युनिस्ट है। उनके स्वभाव में पूंजीवाद है पूरा, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो। तो अमेरिका तो है ही, वो तो खुले तौर पर कहता है, लेकिन ये अपने आप को तथाकथित कम्युनिस्ट कहने वाले लोग भी पूंजीवादी हैं, और पूंजीवाद अपने स्वभाव में क्रूरतम होता है। वो मानवीय हित में काम कभी नहीं कर सकता, उसका हर काम पूंजी के हित में होता है। अर्थतंत्र उसका तय करता है कि वो किस तरह की नीतियों को आगे ले जाएगा, किस तरह से उनका क्रियान्वयन करेगा, और किस तरह से उनका शोषण का तंत्र बनाएगा जो ऊपर से बड़ा मुग्ध का करने वाला हो और अंदर से पूरी तरह से सामाजिक न्याय को समाप्त करने वाला हो। तो शीत युद्ध के समय में भी कितने टकराव हुए, स्पेस से लेकर धरती तक
कभी यूएनओ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कभी कोई बात नहीं कही। तो इसलिए मैं तो ये बात मानती हूँ बहुत अच्छी तरह से कि यूएनओ का रेलेवेंस आज समाप्त हो चुका है। के द्वारा जिस आग को सुलगाने की कोशिश की गई थी कि उससे सबको आँच मिलेगी और एक भाईचारे का, सौहार्द का सालन बन के सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका सबके लिए, वो तो नहीं हो सका। अपने अपने हित में उसको सुलगाया गया है और उससे तबाही की गई है, ऐसा मैं मानती हूँ। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, ताकि हम लोग एक दूसरे से अपनी जानकारी को एनरिच कर सके, समृद्ध कर सके। थैंक यू सो मच फॉर द इन डेप्थ नॉलेज विद अस, योर एक्सपीरियंस एंड योर अंडरस्टैंडिंग मेडिटेशन सो आई थिंक यू नो एवरी डे व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू रीड अबाउट यूएन एट सम प्लेस ऑफ द अदर वी आर ट्राइंग आई थिंक द वर्ल्ड एट लार्ज इज ट्राइंग टू शो अस दैट इट इज वेरी मच रेलेवेंट इन टुडेज़ टाइम। आई मीन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट people have started questioning it in developing nations. The developed nation do want us to believe that UN is something that is working for us all, and we are being fed with that piece of knowledge every now and then at every nook and every corner. The perspective that you brought to us today is, I think, very new, very fresh, and something that people don't usually like to take up. These are questions that have been rising for so long, but in such silence and only through whispers. So I think, you know, taking this up at a large scale really opens our mind. Also, being a student of political science, it is very important for us to keep questioning the relevance and importance of such organizations that tend to promise something of global importance at such a large scale and and for such a long time. We keep need to asking questions: are they doing what needs to be done? Are they doing what was promised? And are they doing it in the best possible manner? I think today a lot of these questions were answered, and I think all of us are going back with a new perspective, with a new food for our thought, for something that we will develop upon. And being the students of political science, I think we all will come up with different definitions of the same, and I think that is very much acceptable as well. Like you said, we all can have different perspectives, and it is up for debating any time, but we are all allowed to question and answer the relevance of United Nations in our own ways. Thank you so much for sharing with us your view of the same. We are indebted to you for gracing us with your presence, ma'am. Now, I would like to call Dr. S. S. Rana sir to kindly thank our speaker for such an amazing session. कोई प्रश्न नहीं है तो एक मिनट राणा साहब, मैं भी विशेष रूप से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी पहले, क्योंकि फिर आप अध्यक्षीय भाषण देंगे तो मुझे अवसर नहीं मिलेगा। मैं आपको मौका दूंगा, मैं एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अच्छा, जरूर जरूर जरूर। मैडम ने जो हमें बातें बताई हैं वे अपने आप में काफी नई बातें हैं, लेकिन जैसे हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल साइंस में जितने भी कंसेप्ट हैं, हर कंसेप्ट का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। जैसे हम चाहे कोई थॉट हो, थिंकर हो, थ्योरी हो, सोशल आइडियाज हो, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब मैडम ने जो यूएन है, जिसकी जो वीकनेसेस है, उसके बारे में बड़ी डिटेल में बताया, लेकिन मैं मैडम से पूछना चाहूंगा इसका अल्टरनेट क्या है भाई? क्योंकि मैडम ने जो इसकी वीकनेसेस है वो तो बताई है, लेकिन अल्टरनेट क्या हो सकता है मैडम, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। सर देखिए, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप अनुभव में भी मुझसे ज्यादा धनी हैं और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, आदरणीय हैं मेरे, और आपका विषय भी है। जहां तक मैं समझती हूँ कि हम घर से लेके छोटे से घर में भी ना, आपके विचार जानना। हाँ हाँ, हम एक छोटे से घर में भी जब हम बच्चों पर जबरदस्ती करते हैं ना कोई चीज मनवाने के लिए, तो वो नहीं मानते हैं। जबरदस्ती नहीं, आप किसी को पीट लोगे तो भी नहीं मानेगा अगर उसको नहीं मानना है ना। तो ये मनवाने की ताकत
हमें इसके मूल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने के लिए जब तक तैयार नहीं होगा वो कभी नहीं होंगे। ये इनमें से एक भी देश का अगर हित आड़े आता है, और वो आएगा ही, क्योंकि वो किसी ना किसी जगह से रिसोर्सेज ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, किसी ना किसी जगह को हड़पना चाह रहे हैं और हड़प रहे हैं, तो इसलिए वो परिवर्तन करने नहीं देंगे। तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो? इसका ऑल्टरनेट विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और मैं भारत की निवासी हूँ, इसीलिए नहीं बात कह रही हूँ बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि आप देखिए अभी भी 184 देशों ने भारत का समर्थन किया था, भारत ने अध्यक्षता की है अभी इसी वर्ष। तो भारत के राजनीति को आप जैसे लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम एक अलग से अपने देश को ताकतवर करते हुए एक ऐसी पैरेलल ताकत खड़ी करें, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करें जिसमें बाधित हो दूसरे आने के लिए, लेकिन उसके अर्थतंत्र को बुनने के लिए हमें बहुत सारी आर्थिक जो हमने संधियां की हुई हैं उनमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के विश्व का हित और अहित सिर्फ और सिर्फ अर्थ से जुड़ा हुआ है। अगर इकोनॉमिकली फायदा किसी को है तो वो आपके साथ खड़ा है, अगर इकोनॉमिकली फायदा नहीं है तब वो कोई बात नहीं करता। अगर उसको फायदा इकोनॉमिकली के है तो फिर वो ह्यूमन राइट्स की भी बात करेगा, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करेगा, डिसेबिलिटी सेक्टर की भी बात करेगा, LGBTQAI+ की भी बात करेगा, फिर वो हर की बात करेगा, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर इकोनॉमिकली फायदा हो रहा है। अगर उसको इकोनॉमिकली फायदा नहीं हो रहा है, उससे कहा जाए कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, इक्वल कलेक्शन के आधार पर आप ये काम करेंगे, तो वो नहीं करेगा। इसलिए अपने हमने पहले भी जब हमने विश्व का नेतृत्व किया तब भी हमने किसी के मोहताज होकर नहीं किया, इसलिए मैं भारत को ही एकमात्र ऐसी शक्ति के रूप में देखती हूँ, और भारत को, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे आप जैसे चिंतकों को, आप जैसे कर्णधारों को ये दायित्व उठाना पड़ेगा, तभी हम इस तरह से अपने आप को सशक्त करते हुए, आत्मनिर्भर करते हुए विश्व का नेतृत्व कर सकेंगे। मुझे लगता है ये बनाने से नहीं ताकत बन सकती, क्योंकि इन्होंने पूंजीवादी सोच के आधार पर ये ताकत बनाई है, और बनाने से नहीं बनती ये पिछले हम देख चुके हैं 45 से लेकर आज तक, नहीं बल्कि 1919 से लेकर आज तक देख चुके हैं। तो जब हमारे सामने इतना बड़ा इतिहास है 102 साल का, फिर हमें जरूरत क्या है उसका मुहताज होने की? हमें तो फिर चीजें बदल देनी चाहिए, मान लेनी चाहिए कि ये नहीं रेलेवेंस रखता तो नहीं रखता। हमें इसके से मुकाबला करने की बात नहीं है, बल्कि इसके समानांतर लंबी रेखा खींचने की जरूरत है। उसकी रेखा को छोटा मत कीजिए, लेकिन उसकी पैरेलल लंबी रेखा खींचिए, और वो खींचने का दायित्व भारत उठा सकता है, ऐसा मैं समझती हूँ। वेरी गुड मैडम, आपने बहुत अच्छा अल्टरनेट बताया है, और जैसा हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उनके दोनों ही पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, और मैडम ने न्यू आइडियाज हमें बताए हैं, तो हम मैडम का तो तहे दिल से धन्यवाद करते ही हैं। और मैं अपने जो स्टूडेंट है जिसने इतना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है, और मैडम ने उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बहुत जोर दिया है। मैं मैडम आपसे एक क्वेश्चन मेरा और भी है कि जो माइनॉरिटी इश्यूज हैं, क्या उस पर कोई काम यूएन लेवल पर हुआ है? सर, मैंने शरणार्थी की जो बात की थी वो इसीलिए की थी कि वो यूएन की गलत पॉलिसीज के कारण ही आज विश्व 8 करोड़ शरणार्थियों को ढो रहा है। आप देखिए अफगानिस्तान से कितने लोग भाग रहे हैं, छोटा सा उदाहरण अभी सामने ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनकी जान ही सुरक्षित नहीं है, जान माल पे बनी हुई है, तो वो वहां रह के करेंगे क्या? आपने पिछले 20 साल लोकतंत्र को तो नहीं बनाया, उनके राइट्स को तो नहीं दिलवाया, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स को तो मजबूत नहीं किया, बल्कि खनन करके सारे तरह के संसाधनों की लूट मचाई। तो इसलिए शरणार्थी से ज्यादा दरिद्र कौन? अब म्यांमार से शरणार्थी कैसे भागे हैं सर? देखिए आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि वहां सत्ता ने कब्जा कर लिया है, सैनिक शासन आ गया था। तो शरणार्थियों की समस्या को उससे ज्यादा माइनॉरिटी में और कोई नहीं होता। आप देखिए ISIS ने क्या क्या कुछ नहीं किया, या हूती विद्रोही क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, नाइजीरिया का हाल देख लीजिए, 2014 में भी 300 लड़कियों को किडनैप कर लिया गया था स्कूल से सरेआम।
अभी 2021 में फिर कर लिया गया 175 लड़कियों को, तो ये करके आप उस आईएसआईएस के अड्डे कौन नहीं जानता। आज सैटेलाइट का युग है, अमेरिका का जब मन हुआ तब तो जाके उठा लिया आप ओसामा बिन लादेन को आपने, और आप उनके अड्डे नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते कहाँ आतंकवादी छिपे हैं। तो ये तमाम इश्यूज जो है ना इंटरकनेक्टेड है, और उसमें पिसने वाला ही पिसता है। माइनॉरिटीज पिस रही थी कल भी और आज और ज्यादा पिस रही है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत गुजर बसर वो अपनी जगह पर कर पाते थे वहां भी वो भी छीन ली गई है उनसे। इसलिए माइनॉरिटीज इशू पे आप ऐसे पॉलिसीज बनाने से, ऐसे हम इतना फंड दे रहे हैं सोमालिया को, इतना फंड दे रहे हैं तांजानिया को, इतना फंड दे रहे हैं नाइजीरिया को, इससे कुछ नहीं हो सकता जब तक कि आप उसके इंटरनल चीजों को ठीक नहीं होने देंगे। तो वो इंटरनल चीजों को ठीक नहीं होने देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उनको ठीक करने के लिए नहीं। आप मैं अंदर ही अंदर से किसी को सुई चुभोती रहूं और ऊपर से उसको दवाई देके खड़ी रहूं तो दवा काम नहीं कर सकती, क्योंकि सेप्टिक तो आप पीछे से कर रहे हैं ना सुई चुभोकर। तो ये जो डबल दुचित्तापन जिसको मैंने कहा ना, ये दुचित्तापन इस ऑर्गेनाइजेशन का स्वभाव बन चुका है। इसी कारण इस डुअलिटी में ये कभी भी सोशल जस्टिस के लिए काम नहीं कर पाई है और रियलिटी में नहीं कर पाई है। मुझे नहीं दिखता, आप ज्यादा पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और आप लोगों का अनुभव अधिक है, तो आप किसी उदाहरण से बात कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया और मैं इसके बारे में बताया। और जनरली क्योंकि आप एक लिटरेचर से भी आपका संबंध है और लिटरेचर के लोग ज्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं, ये भी मैं मानता हूँ, और आइडियलिज्म एक मोटिवेशन देता है ये भी हम जानते हैं। और आप जैसी पर्सनैलिटी कोई बात कह रही है तो इसका एक मीनिंग है, और कम से कम हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो हम ऐसी वीकनेसेस जो हमारे सामने हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। ये मैडम शायद इसके पीछे जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते इसके पीछे शायद जो कंसेप्ट था वो शायद रियलिटी नहीं बना शायद नहीं बन पाएगा, वो था वर्ल्ड गवर्नमेंट का। कहीं ये सोचा हुआ था कि धीरे धीरे जितनी भी नेशनल बाउंड्रीज हैं ये वीकेंड होंगी और एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट बनेगी और ह्यूमनिज्म पर आधारित होगा। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि भाई ये जो बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी कमियां हैं वो है नेगेटिव और वो वीटो, और वीटो में भी इकोनॉमिक रोल है। और आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं वे कुछ ही कंट्रीज के पास है, और वे कंट्रीज उसका जो अभी आपने बड़े प्लेनली बताया कि एशिया और अफ्रीका का जो जनरेशन सेंचुरी टू सेंचुरी जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वो आज भी कंटिन्यू है। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम जितनी भी हमारी वीकनेसेस हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और एक अल्टरनेट कर सकते हैं। मैंने इंडिया ने एक बार कोशिश की थी, जो आज भी इंडिया कंटिन्यू कर रहा है, जो नॉन अलाइनमेंट का जिक्र आपने किया था, लेकिन जो हमारी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि जब जब इंडिया पावरफुल होगा पूरे वर्ल्ड का भला होगा, क्योंकि इंडिया की जो वो ह्यूमन फिलोसफी है, ह्यूमनिज्म पर आधारित है, और हम तो पूरी दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं सबको बराबर मानते हैं। जब दुनिया के व्यक्तियों को भी बराबर मानते हैं तो देशों को भी बराबर मानते हैं, और अल्टीमेटली आज नहीं तो कल वर्ल्ड को भी ये रियलाइज करना होगा। और जितनी भी वीकनेसेस हैं, चाहे वे सोशल आस्पेक्ट पर हो या इकोनॉमिक आस्पेक्ट पर या ह्यूमन आस्पेक्ट पर, इन वीकनेसेस को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा तो जो आपने बताया कि इसका जो सिग्निफिकेंस है वो जिस जो इसका एम था, जो बेसिक इसका उद्देश्य जो इसके लिए बना था वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो पा रहा है। और प्राय इसको एक जो पावरफुल कंट्री है, आपने ठीक कहा कि वे इसको एक अम्ब्रेला के रूप में यूज कर रहे हैं कि जब चाहते हैं यूएन की छतरी के नीचे आ जाते हैं और जब नहीं चाहते हैं तो अपने कंट्री के अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। तो ये सब वीकनेसेस हैं इसमें, और जब तक ये एड्रेस नहीं होंगी ये मीनिंगफुल भी नहीं होगा। मैडम आपने जितनी अच्छी बातें हमें प्लेनली बताई, हमारे बच्चों को बड़ा फायदा इससे हुआ होगा, और मैं विशेष रूप से अपने डिपार्टमेंट की ओर से, अपने स्टूडेंट्स की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने का जो प्यार है हमारे बच्चों के साथ वो बना रहेगा, और भविष्य में भी जब हमें जरूरत पड़ेगी
मैं उम्मीद करता हूं कि आप में समय देंगे और आप इसमें आए। मैं और इतने जिस मूड में आए, मुझे पता था कि आपके पहले ही कई अपॉइंटमेंट थे, आपका स्कूल बहुत बिजी था, लेकिन आप पर हमारा एक हक है और उसको आपने माना। मैं दिल से आपका आभारी हूँ और पूरे डिपार्टमेंट कॉलेज की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो आपने हमें हमारे बच्चों को नई बातें बताई, उससे हमारे बच्चों को जरूर फायदा होगा। मैं एक बार पूरे डिपार्टमेंट की ओर से फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हाँ सर, मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये अपनी बात रखने का एक मौका दिया। और ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली हम कर तो क्या सकते हैं, लेकिन एक चेतना के प्रसार के लिए एक छोटा दिया भी काम कर पाता है। तो आपने ये दिया जलाया है, इसलिए आप ही के को मैं नतमस्तक होके इसका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बच्चों को नई जानकारी मिली है और एक जो एक एस्पेक्ट उसके बारे में अवेयरनेस हुई है, तो पूरा डिपार्टमेंट आपका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।